Hello friends, welcome to Mission IAS. Now friends, this video will be very very special. ये video बहुत ही important है अगर आप आने वाले UPSC prelim exam 2021 या 22 के लिए तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये जो question में आपको मिलने वाले हैं बहुत ही after in depth analysis करके बनाए गए हैं पिछले 10 सालों के UPSC prelim के questionों को देखकर. तो फर्स्ट क्वेश्चन, कार्टोसेट 3 सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च बाय द इसरो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. कार्टोसेट 3 इज एन एडवांस इंडियन नैनो कम्युनिकेशन सैटेलाइट. इट इज अ 50 किलोग्राम सैटेलाइट प्लेस इन एन ऑर्बिट ऑफ एट 1500 किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ. तो आप वीडियो पॉज करके कमेंट में आंसर दे सकते हो. सो इसका आंसर दोनों ही गलत है. कार्टोसेट 3 इज नॉट अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और ये 50 किलोग्राम का नहीं है. तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. यू कैन रीड हियर, द कार्टोसेट 3 इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बिल्ड बाय एंड डेवलप बाय इसरो, राइट. एंड इट्स टोटल वेट इज 1600 किलोग्राम. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ डिनुडेशन. डिनुडेशन मीन्स अनकवर. अनकवर लाइक सॉइल है, सॉइल पे से अगर हवा के जरिए मिट्टी उड़ जाए तो दैट इज द अनकवर, राइट. नैकेट करना, डिकम्पोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेदरिंग, इरोशन. तो चारों ही कारण है डिनुडेशन के. ऑप्शन डी इज करेक्ट. द ऑल द एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस आर कवर्ड अंडर अ जनरल टर्म डिनुडेशन. मीन द वर्ड डिनूड मीन्स टू स्ट्रिप ऑफ और टू अनकवर. सो इरोशन इज द मूवमेंट ऑफ रॉक्स एंड वेदर्ड मटेरियल ड्यू टू द नेचुरल एजेंट लाइक रिवर एंड ग्लेशियर्स. तो वेदरिंग से होगा इरोशन, और इरोशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह वेदर्ड मटेरियल का जाना. नेक्स्ट, प्लास्टिक पोल्यूशन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स एंड पार्टिकल्स इन द अर्थ एनवायरनमेंट दैट एडवर्सली अफेक्ट्स वाइल्ड लाइफ. सो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड ह्यूमंस, द बर्निंग ऑफ प्लास्टिक रिलीजेस विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिन्स इन टू द एटमोसफियर. अगर हम प्लास्टिक जलाए तो उसके जलाने से जो जहरीली गैसेज, जो पॉइजनस गैस हवा में जाएगी, एयर में शामिल हो जाएगी, तो कौन कौन सी गैसेस है? डायोक्सिन्स, बेरियम, मर्क्यूरी, लेड, फ्यूरेंस. तो पांचों भी गैस जो है प्लास्टिक के बर्निंग से रिलीज होगी. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट अगेन. और प्लास्टिक को जलाने को क्या कहेंगे? इंसिनरेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन एन ओपन फील्ड इज अ मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन. मोस्ट ऑफ द टाइम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंटेनिंग अबाउट 12% ऑफ प्लास्टिक इज बर्न रिलीजिंग टॉक्सिक गैसेस लाइक डायोक्सिन, फ्यूरॉन्स, मर्क्यूरी, पॉलीक्लोरिनेटेड बायफिनिल्स इनटू द एटमॉस्फेयर. डायोक्सिन इज अ जनरल टर्म दैट डिस्क्राइब द ग्रुप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ केमिकल्स दैट आर हाईली परसिस्टेंट इन द एनवायरनमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज. इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू सपोर्ट द कंक्रीट अडेप्टेशन एक्टिविटीज विच मिटिगेट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. अब देखिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको सिखा भी रहा हूँ कि देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये राइट होने के ज़्यादा चांसेस है, इवन आपको ना भी पता हो. द नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड इज द नेशनल इंप्लीमेंटिंग एंटिटी फॉर द नैफैक. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर राइट. राइट, यू कैन रीड हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो कि नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विच वॉज सेटअप इन द ईयर 2015-16. द ओवरऑल एम ऑफ नफैक इज टू सपोर्ट कॉन्क्रीट अडेप्टेशन एक्टिविटीज विच मिटिगेट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. तो ये बनाने का मकसद, नफाक नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज बनाने का मेन आदेश, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो क्लाइमेट चेंज के जो एडवर्स इफेक्ट है उसको कम किया जाए, राइट. एंड कंसिडरिंग द एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट विद द नबार्ड एज अ नेशनल इंप्लीमेंटिंग एंटिटी फॉर अडेप्टेशन फंड अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल एंड इट्स प्रेजेंस अक्रॉस द कंट्री, नबार्ड हैज बीन डिजाइनेटेड एज अ नेशनल इंप्लीमेंटिंग एंटिटी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ और अडेप्टेशन प्रोजेक्ट अंडर द नफाक. अंडर दिस अरेंजमेंट नबार्ड एड्स इज इन फैसिलिटेटिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट आइडियाज, कॉन्सेप्ट फॉर स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज. नेक्स्ट, होप आइलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज. आपको पता है कि होप आइलैंड किधर है? आप इंडिया का मैप देखो, ईस्टर्न साइड पे आंध्र प्रदेश है. आंध्र प्रदेश में कोरिंगा नेशनल पार्क है, वहाँ पर है होप आइलैंड, राइट. तो इंडिया में है, राइट. सो ग्रेटर फ्लेमिंगोज हैव बीन स्पॉटेड ऑन द कोस्ट ऑफ होप आइलैंड, द पार्ट ऑफ द कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एरावली माउंटेन रेंजेस. अच्छा, इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम देखें, जैसे देखिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप का तो नाम आपने सुना होगा,
वो किसी नाम का मोहताज नहीं है। आज कोरोना काल में अनअकैडमी से बेहतर ऑप्शन आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए कोई है नहीं दोस्तों। आप घर बैठे अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को और भी बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए अनअकैडमी ने बहुत सारे फ्रेश और स्पेशल क्रैश और स्पेशल कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, उस लिंक को ज्वाइन कर क्लिक करके आप सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और सारे फ्री कोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हो। राइट, ऑलवेज कि हर रविवार को संडे को सुबह 11 बजे टेस्ट सीरीज अनअकैडमी कॉम्बैट होता है, जिसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 60 में हज़ारों लाखों लोग एस्पिरेंट्स बैठते हैं इस कॉम्पिटिटिव टेस्ट में, क्विज कॉम्पिटिशन में। अगर आप फर्स्ट 3 पोजीशन में आते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, जो कि 4 करोड़ के करीब स्कॉलरशिप देते हैं हर हफ्ते ही। तो ये कोड है MIYT10, इसको डाल के आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। राइट, इसके अलावा देखिए कि 28 अप्रैल लास्ट डेट है। अगर आप आने वाले यूपीएससी प्रीलिम 2022 यानी नेक्स्ट ईयर 2022 और 23 के लिए तैयारी कर रहे हो, राइट, तो ये जो पूरा कोर्स रहेगा जुलाई 2022 तक के एक साल का अगर लेते हो और 2 साल का लेते हो, जुलाई 2023 तक के कोर्स वैलिड रहेगा। तो ये आपको ऑनलाइन कोचिंग देगी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, जिसके ज़रिए आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो सकेगी और डेफिनेटली आप यूपीएससी एग्ज़ाम पास कर पाओगे। तो MIYT10 ये कोड अप्लाई करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा 2021 इस साल का आप टारगेट लेके चलते हो या नेक्स्ट ईयर 2022 का, तो उसके बैच हर हफ्ते स्टार्ट हो रही है। आने वाला बैच सैटरडे स्टार्ट हो रहा है 7 अप्रैल से। तो ये अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर है। सारे एजुकेटर्स इनकी खुद की पर्सनल कोचिंग क्लासेस हैं ऑफलाइन मोड पे, लेकिन ये अनअकैडमी पे आपको ट्रेनिंग देगी। इसके अलावा एक साल का यूपीएससी अल्टीमेट कोर्स है, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। आप ये सारे टॉप एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे अवेलेबल। इसमें कंप्लीट सिलेबस कवरेज किया जाएगा, प्रीलिम कम मेंस लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स एंड 3500 MCQ। अगर आने वाले प्रीलिम में बैठने वाले हो तो ये 3500 MCQ बहुत ही टफ, बहुत ही हाई क्वालिटी MCQ रहेगी, जिसमें आपको गाइड किया जाएगा कि आने वाले UPSC एग्ज़ाम में हो सकता है कि 3500 में से कम तो 30 से 40 क्वेश्चन पूछे जाए। 1 ईयर बैच फॉर द UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम, ये भी 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हो कि कंप्लीट सिलेबस कवरेज किया जाएगा, प्रीलिम एंड मेंस लाइव क्लासेस होगी, NCERT एंड प्रीलिम टेस्ट सीरीज होगा। इसके अलावा 2 ईयर्स का बैच है, 2 साल का है एंड NCERT बैचेस अलग से है, ये देख सकते हो आप। ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी सिंगल प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा प्लस बता दूं कि प्लस के अलावा कि आइकोनिक का सब्सक्रिप्शन, इसमें थोड़ा पैसा आपको ज़्यादा देना पड़ता है, इसकी फ़ीस है। प्लस और आइकोनिक की में फ़ीस की ये पेड कोर्सेस है दोस्तों, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस ये बहुत ही सस्ते है। इसके अलावा बता दूं कि आइकोनिक कोच में आपको, आइकोनिक अगर लेते हो तो आपको पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल कोच मिलेगा, जो आपकी प्रोग्रेस को, आप सही जा रहे हो कि नहीं, ये वीकली आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। राइट, और सारे कोर्सेज दोनों लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में होंगे और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा इसके अलावा। तो ये देख सकते हो कि एक साल का कोर्स है, इसकी 74,000 है आइकोनिक की। अगर इसके अलावा मैं बता दूं कि आप कोड लगाते हो MIYT10 तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि बड़ा अमाउंट है तो आप मंथ वाइज, महीना वाइज 6,208 रुपये भी पे कर सकते हो। राइट, तो ये देखिए कि इस तरीके से अगर आपने कोड लगा दिया MIYT10 तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। तो बिना देर किए अगर आप चाहते हो किसी और कोचिंग क्लास के सर्च में हो तो अनअकैडमी से बेहतर ऑप्शन आपके लिए नहीं है दोस्तों। हाँ, एरावली माउंटेन रेंजेस पासेस थ्रू द 4 स्टेट्स। द हाईएस्ट पीक ऑफ एरावली गुरु शिखर इज लोकेटेड इन द गुजरात मालवा प्लेटोज लाइज बिटवीन द एरावली एंड विंध्या रेंज। देखिए, एरावली माउंटेन रेंजेस पासेस थ्रू द नॉट 4 स्टेट्स, इट्स पासेस थ्रू द ओनली 3 स्टेट्स एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ एरावली गुरु शिखर इज लोकेटेड इन राजस्थान। माउंट आबू पर है, राजस्थान में है, ना कि गुजरात में है। तो स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग हो गया। अब देखिए, स्टेटमेंट सेकंड कहाँ कहाँ है, डी में है, सी में है, बी में है, तो तीनों को ही आप एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, मीन्स मालवा प्लेटो लाइज बिटवीन एरावली हिल एंड विंध्या रेंज, दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। राइट, द ओल्डेस्ट एरावली इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड विच इज स्ट्रेचिंग अबाउट 300 miles फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। इन द एरावली माउंटेन रेंज स्ट्रेचेज फ्रॉम गुजरात इन द साउथ ईस्ट टू द दिल्ली इन द नॉर्थ ईस्ट फॉर अबाउट 700 किलोमीटर। तो कहाँ कहाँ हुआ, देखिए दिल्ली में हो गया, हरियाणा में हो गया, राजस्थान में हो गया, गुजरात में हो गया। राइट, इसके अलावा सम पार्ट पंजाब में भी किया हुआ है। सो दिल्ली क्रिएटिंग द पिक्चर ड्रॉप फॉर फ्लो। अच्छा, ये बात बता दो, 3 ही स्टेट है, दिल्ली, राजस्थान एंड हरियाणा, जबकि
राजस्थान गुजरात एंड दिल्ली तीन स्टेट हुए स्टेट फ्रॉम, लेकिन दिल्ली इज नॉट अ स्टेट, स्टेट बोला है, दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी ना, राइट। एंड फीचर्स अरावली माउंटेन रेंजेस, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, वेरी रिच इन फ्लोरल डाइवर्सिटी स्पेशली मेडिसिनल प्लांट लाइक कड़याया गिविंग मेडिसिनल गम एक्सेट्रा। एंड मालवा प्लेटो लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्या रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मेक अ स्पेसीज वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन, यानी क्या कारण है जिसकी वजह से स्पेसीज खत्म हो जाती है, वल्नरेबल से कम तादाद होकर खत्म हो जाती है। एंडेमिज्म, लार्ज बॉडी साइज, एग्रीगेटर्स बिहेवियर। तो इसका आंसर देखिए, एंडेमिज्म मतलब एक ही जगह पे मिलना, उनकी बॉडी साइज बड़ा होना, एग्रीगेटर है बिहेवियर, तो तीनों ही कारण है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। द वल्नरेबिलिटी ऑफ स्पेसीज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स, देयर एंडेमिज्म एंड रेयरिटी, एक ही जगह पे पाना और उनका तादाद को कम होना। डी ट्रैक इज अ मालवेयर दैट हैड रिसेंटली अटैक ATMs। मालवेयर वॉज 2017 में रैनसम वेयर था, तो इस तरीके से डी ट्रैक अक्सर एक आध क्वेश्चन पूछता है UPSC, डी ट्रैक हो सकता आने वाले साल पूछ ले। ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, जमीन के पानी, जमीन के नीचे जो पानी है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या होगा, रिड्यूस सरफेस वाटर सप्लाईज, लैंड सब्सिडेंस एंड इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटन इन वाटर, तीनों ही कारण होंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिसेंटली रिलीज द गुड गवर्नेंस इंडेक्स आर करेक्ट, इट अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड क्वालिफिएबल डेटा टू कंपेयर द स्टेट्स ऑफ गवर्नेंस इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। इन द रिसेंटली रिलीज गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019, तमिलनाडु हैज बैक द टॉप पोजिशन। तो दोनों ही कारण, दोनों ही स्टेटमेंट राइट है। सो इसका मेन गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो कि नीति आयोग के जरिए रिलीज किया जाता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड अ क्वान्टिफेबल डेटा टू कंपेयर द स्टेट्स ऑफ गवर्नेंस इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, एंड तमिलनाडु को फर्स्ट पोजिशन मिला है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली रिलीज 20th लाइव स्टॉक सेंसस, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कवरिंग ऑल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड देयर हेड काउंट्स, द हाइएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ लाइव स्टॉक इज अकाउंटेड फॉर बाय द कैटल्स, थर्ड पंजाब इज द हाइएस्ट नंबर ऑफ लाइव स्टॉक। देखिए सबसे पहले बात तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स में नहीं आता है, एंड थर्ड कैनोडा पंजाब नॉट अ हाइएस्ट बल्कि दूसरे स्टेट्स है, एंड द हाइएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ लाइव स्टॉक इज अकाउंटेड बाय द कैटल, ये सेकंड राइट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यू कैन सी हियर द लाइव स्टॉक सेंसस हैज बीन कंडक्टेड इन द कंट्री पीरियोडिकली सिंस 1990। कौन कौन कंडक्ट कर रहा है, इट इज एन इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज में आता है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग हो गया, सबसे ज़्यादा कैटल है, और दूसरा जो है कि सबसे ज़्यादा अगर है तो कहाँ पर है, राजस्थान में है, राइट। द हाइएस्ट नंबर ऑफ सॉरी उत्तर प्रदेश हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ लाइव स्टॉक 67.8 मिलियन। सो आई होप फ्रेंड्स यू हैव एंजॉय दिस वीडियो, इनमें से एक आध क्वेश्चन आपके प्रिलिमिनरी में एग्जाम आने वाले प्रिलिम में पूछा जाए, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, एंड डू लाइक अवर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल मिशन IAS, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा IAS एस्पिरेंट्स ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड फ़ायदा उठा